हाँ जी, तो राम राम भाई, कैसे हो आप सब लोग? तो भैया, आप लोग देख रहे हो क्या कि आज घर में वीडियो बना रहा हूँ, जिम में नहीं बना रहा हूँ। उसका रीज़न है कि आज है जन्मदिन और बर्थडे पे कितने सारे लोग कहाँ कहाँ से दूर दूर से आएंगे। तो पहले तो अपनी माँ के द्वारा बैठ कर निकल रहे हैं। ये हमारी मम्मी है, बैठी है। मम्मी ने मुझे बर्थडे विश भी ना करा है। बर्थडे विश कहाँ करूँ, और ये बालक देख रहे हो, सुबह से मुझे देख रहा है हमारी बहन का। और हमारी बहन देखो कैसे सो रही है अभी तक, पागल सार भैया। ये आइटम सो है, मतलब 11:30 हो रहे हैं। दोनों माँ बेटी देखियो लौटा कैसे उल्टा भाई। देख, तेरी मम्मी कर्तव्य सिखा ले, मुझे मत देख तू। देंगे ठीक है, खेल ले थोड़ा सा। तो चलो भैया, बहुत लंबा सफर तय कर चुके हैं मम्मी जिंदगी में। मैं ना, हमारी मम्मी ने मुझे पहले काम के लिए दिए 450 रुपये तेल की दुकान के लिए। 11 से कैसे एक ही कैन लेकर आया, शुरू में लेकर आया। 11 से तो जो मैंने काम शुरू करा अपनी लाइफ में, वो करा 1100 रुपये से शुरू करा, जो कि मम्मी ने दिए। और मम्मी ने मुझे हमेशा जब भी मैंने बोली चाहे 1100, उस टाइम खैर हमारे घर में 1100 ही पड़े, घर चला को नहीं, रिस्क लेकर मम्मी ने मुझे सारे पैसे दे दी करी, क्योंकि मैं मेहनती, मम्मी मेहनती है। मैंने कभी ख़राब करे पैसा तो मैंने कभी ख़राब भी ना करे। तो माँ बाप तो भाई सभी देते ही है, बट बच्चे के ऊपर रहता है कितना करता है कितना नहीं करता। हमने तो कर लिया जितना करना है, और कोशिश करेंगे आज भी, आगे भी करेंगे। मेरे घर में भी जितने पैसे होते हैं मैं ले जाता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ काम को लेके, कि मेरा कुछ काम खुलने वाला है XYZ, और मैं ला के भी सारे पैसे अपनी मम्मी दे दूँ। मम्मी तो ये दे दूँ मैं ना रखता, ठीक है। खैर पैसे वैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन बस ये माँ बाप का आशीर्वाद बनाए रखो, प्यार बनाए रखो। अब काफ़ी लड़के वेट कर रहे हैं, रात से ही बर्थडे बन रहा है। अब हम जा रहे हैं अपने जिम पे, और बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। दिखाते हैं, मंदिर चलेंगे, जिम चलेंगे, उसके बाद मैक्स हॉस्पिटल चलेंगे, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है। चेकअप वेकअप कराएंगे, उसके बाद बनाते हैं अपना बर्थडे बर्थडे। चलो जी, थैंक यू। सो भैया, घर से निकल चुका हूँ, अपनी मम्मी से कर रहा हूँ रहीम। अब थोड़ा जिम पे केक कटिंग वगैरह करूँगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे वेट कर रहे हैं। उसके बाद मंदिर जाऊँगा, उसके बाद मैक्स हॉस्पिटल जाऊँगा, तो आपको सारी अपडेट दिखाता हूँ। मेरे को बर्थडे विश करने के लिए, मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कितनी कितनी दूर से बच्चे आते हैं, तो बड़ी खुशी होती है इस चीज़ को देख के ना। क्योंकि एक टाइम था मैं देख रहा कि आसपास के बच्चों का बर्थडे बनेगा, हमारा बर्थडे ना बनेगा, हम सोच रहे हमारा केक कब कटेगा। तो भगवान ने इतनी सुनी कि इतने केक कटवाता है हर साल इतने केक कटवाता है, कि सीरियसली मैं भी सोचूं कि यार पता ना मैंने इतने अच्छे कर्म क्या करेंगे, कि भगवान ने ये दिन हमें नसीब करवाया। तो उन सभी भाइयों को दिल से शुक्रिया जो इतना प्यार करते हैं, और कोशिश रहेगी हमेशा अच्छे बने रहने की, बेकार नहीं। तो जिंदगी का बहुत लंबा सफर तय किया है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत ही ज़्यादा डाउन से सब चीज़ें शुरू करी है। किसी दिन अपनी वीडियो में ज़रूर अपने आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाँ कैसे कैसे चीज़ें शुरू करी थी, किस किस का साथ था, किस किस का साथ नहीं था, किस किस ने हिम्मत दी थी और किस किस ने डिमोटिवेट जरूर किया था। तो सबकी लाइफ में होता है, कुछ मोटिवेट करते हैं लोग, कुछ डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन रास्ते अपने अपने आप ही चुनने पड़ते हैं। बस जिस रास्ते को आप चुन लेते हो उस पे खड़े उतरो, उससे दूर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, उसी रास्ते पे चलते रहो, मंजिल आपको मिलेगी, और एक दिन जरूर मिलेगी। ये तुम्हारे भाई का तुमसे प्रॉमिस है, अगर ऐसा सोच के चलोगे, खुद सेल्फ एक्सपीरियंस है तो आपको जरूर मिलेगी। तो चलो, अभी बच्चे काफी वेट कर रहे हैं, जिम पे चलते हैं, देखते हैं क्या हाल है। चलो जी, thank you।
बर्थडे सेलिब्रेट रात से चल रहा है, लेकिन भाइयों का प्यार हमेशा बना रहे। तुम लोग देख रहे हो कितने और आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। चलो जी, धन्यवाद 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 काटे। तो भैया बिपिन आया सब में लेट और टाइम हो रहे हैं, देख रहे हो आप 2:30 बजे और मैं 11 बजे से वेट कर रहा हूँ। आजकल सब बड्डे हो गया, बिपिन तो आ गया। चलो तू तो आ गया, नितिन तो आया भी ना। हाँ कोई नहीं, ना नितिन आया ना राजेश आया ना ना मैं तो वीडियो बना रहा हूँ पूरी पूरी। ना नितिन आया ना राजेश आया ना प्रदीप आया, अरे मैं गायब हो जाऊंगा, मैं नहीं मिलूंगा। कोई नहीं, हम गायब हो जाएंगे। तो भैया ये हमारा राहुल भैया है, राम राम जी। यारी अपना विनय है हमारे गाँव से ही, कड़ी गाँव से ही। भाई तू भी आ जा, कैसा करेगा। तो भैया ये आए लेट, कितने बज रहे हैं? 3। राम राम भाई, लेकिन कोई बात नहीं। राहुल वो लड़का है जो घड़ी में समय पहले बॉडी बिल्डर बना, और राहुल ने घड़ी का नाम करा समय पहले, मतलब मेरा नाम घड़ी में राहुल ने रोशन करा, जो प्रैक्टिकल बात है ना। राहुल कौन से सन में खेला वोट ने? 15 में 16 में है ना, अल्लाह ही मचा रहे वाटर में है ना। अच्छा तेरे बाद बॉडी बिल्डिंग का क्रेज आऊंगा है ना, वरना उससे पहले डोले डोले का क्रेज था। हाँ बॉडी बिल्डिंग का क्रेज लाने वाला अपने गांव में राहुल है। हाँ हाँ वाक्य में इतने हो गए, बॉडी बिल्डिंग का गड़ी गांव में क्रेज लाने वाला राहुल है, और गुजरात में क्रेज लगाने वाला खुद।
नहीं तो पहले पहले कोई ना करेगा ना बॉडी बिल्डिंग, पहले मैंने जब शुरू करी फिर लोगों ने शुरू करी बाउंसर। हाँ हाँ बस यही कोर्स था एक्चुअल में, यही कोर्स था दोबारा बताइए बारी कोर्स भाई, सब बच्चे कोर्स सुन लो, पुराना कोर्स रह करा कैसा है? गेनर की बाल्टी, हाँ देसी गेनर, हाँ इंजन देसी, चटनी चटनी, हाँ हाँ हाँ, 50 हाइड्रोलिक, 50 हाइड्रोलिक, 100 है ना पकड़े होगे, और एक क्रिएटिन, बस घर का शरीर में पानी, हमसे आया बड़ा कोई नहीं, बारह रोटी दिन की। तो भैया पहले कोर्स ही रह गए हमारे, सारे लौंडा तगड़े रह गए, लेकिन आजकल हमने थोड़ा ट्रेंड चेंज कर दिया और ट्रेंड में ये आ गया कि अब सभी के सभी एथलीट है और सभी के सभी एथलीट तैयार भी कर रहे हैं हर अपने अपनी जगह में, जैसे विपिन है, अपना राहुल है, अपना अमर है, ये सबके सब उन्होंने तैयारी कर रहे हैं। हमारा एक लौंडा मिस्टर दिल्ली खेला और ऐसा खेला आज तक गायब है, ये मिस्टर दिल्ली जैसे ही चैंपियन बना ना गोल्ड मारा, वादन के वादन कह दी इस धरती पर जब तक जीऊंगा इस शेर का पैर नहीं उठूंगा। अरे मैंने कितना कर लिया तैयारी, कह रहा भाई तैयारी कर लूंगा लेकिन कॉम्पिटिशन के स्टेज पे पैर ना रखूंगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा अगर मैंने करता ना तो आज कहीं और होता। मारा भाई बहुत कई बार कर मैं, चलो भाई राहुल कर केक काटते हैं फिर चलते हैं अपना, थैंक यू। धन्यवाद जी, धन्यवाद 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 भैया, हेलो भाई केक की मौज कर दिया केक ही केक हो रहा दिन पैसा तो दुनिया कमा दी क्या आ जाओ, ये रोहित बहुत दूर का है, उनकी बना रहे सही भाई, बहुत ही ज्यादा दूर से है कौन है भाई का आशीर्वाद है, रोहित बहुत दूर से है, कहाँ से रोहित? इटावा, इटावा कितने किलोमीटर? 450 किलोमीटर, तो समझ सकते हो तुम 450 किलोमीटर। थैंक यू फॉर भैया, अब अपने जिम का आखिरी केक है, इसके बाद भारत के काटेंगे, और आखिरी केक लाया है पता नहीं किस किस जल काटूंगा, आखिरी केक लाया हमारा राहुल बब्बू, तो इनके कोई देख कैमरा मैन, हाँ जी भाई तो चलो भाई केक कटिंग वेक कटिंग भाइयों की गल बहुत होगी, तो मैं अभी भी अपना आके मंदिर, क्योंकि मंदिर आना जरूरी है, ये सब चीज़ें बाबा की जो है, ये अपने लोज रोड में साहिबा मंदिर है, यहाँ बहुत मान्यता है और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा मान्यता, मतलब मैं तो बहुत ही मानता हूँ, तो चलो दर्शन करते हैं, ऊपर की वीडियो तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि बाबा की वीडियो बनाने में ठीक नहीं है, बाहर से ही आप लोग दर्शन कर लो, जय साईं राम। चलते हैं सो भाई, देखो ये है साहिबा मंदिर, आप लोग ये अपने द्वार कमाई है और यहाँ से अपना मंदिर है ना, तो मैं बहुत टाइम से आता हूँ और यहाँ पंडित पंडित बहुत है, सभी अच्छे हैं, सब भक्त है, लेकिन मुझे इनसे ज़्यादा अच्छा भक्त कोई नहीं देखा, वो हमारे सोनू भाई, ठीक है, और मैं कभी भी मतलब परेशान हुआ हूँ या कभी भी मुझे कुछ मांगना हुआ है तो ये आदमी द्वारका माई के यहीं बैठ रहा है, और जब भी मुझे ऐसी कोई ज़रूरत हुआ ना तो सोनू भाई हमेशा मिलते हो? जरूर, बाबा ने हमेशा मिलाया है, तो अभी तक होते आप यहाँ पे? आज मैं होता नहीं, पता नहीं बाबा ने क्यों बुलाया, जल्दी बुलाया बाबा ने मुझे, सैनिटाइजर वाइज बर्थडे है तो बाबा ने इसलिए मुझे बुला के बैठा रहा था पहले, बाबा ने आशीर्वाद दिया था टाइजर भाई को, आज मुझे मतलब सोनू भाई मिलेगा तो मतलब मुझे फील होगा कि हाँ भैया बाबा मेरे मारा बैठा है, और बाबा भाई देखो मुझे कुछ चीज़ फील होती है ना यहाँ मंदिर की तो मैं सिर्फ भाई से डिस्कस करता हूँ और किसी से नहीं करता हूँ, अभी पता है क्या हुआ मुझे कभी अंदर से फूल नहीं मिलता, सच बता रहा हूँ मैं तुमको, कभी भी आप मांग के ले रहे हो तो ठीक है, मैं मांगता नहीं क्योंकि बाबा का दिया सब कुछ है, फूल तक होगा, आज मैं गया हूँ मेरे मत्था टेका है, देखो आपको देख दिखाता हूँ जिम में है ना, तो जैसे मैंने मत्था टेका ना भाई तो पंडित जी ने कहा भाई एक सेकंड सुनिए, मैंने हाँ जी यार आपके लिए, अरे मैंने कहा बाबा आज बाबा मेहरबान है मुझ पर, जो चाह रहा हूँ वो मिल रहा है,
और बस कुछ कोशिश है। मैंने भी टाइजर भाई तो आज तक खोल नहीं गया। बाबा ने जनाब तब कैसे ऊपर से उठवाते रखवा रहा था अपने भाई ऊपर से लाया अभी ऊपर से लाया था चाबी से लाया था जहाँ बाबा साथ साथ बैठते हैं। हाँ चाबड़ी राम चल रहा है वहाँ से बाबा चढ़ना से उठाते लाया बड़ा अच्छा फूल था। तो टाइजर भाई के लिए शायद आया था आज। तो गुरु आज अपना दिन बन गया आज। और एक राज क्या था एक टाइजर भाई ने थार ली थी पीछे तो मुझे अच्छे से याद है टाइजर भाई दाढ़ी लाए रात में टाइजर भाई चरण भाई इन्होंने पूजा करानी है। मैंने भाई पंडित बुलाया क्या नहीं सर भाई आप पूजा करो दे टाइजर भाई ने बताया था मेरे से पूजा करवाई मेरा बहुत सौभाग्य है। मैंने टाइजर भाई की बार बार वीडियो कट हो रही है क्योंकि पीछे से बहुत फोन आ रहे हैं। तो चलो सोनू भाई सोनू भाई देख रहे हैं मेडिटेशन में लग रहे थे बाबा की सिर्फ और सिर्फ करते रहते बाबा ने ना आपको चुना इस चीज़ के लिए पता है बाबा जी ली रहा है बाबा ने प्यार दिया नीता हमारे पास भी ऐसी किताब आज तक नहीं आई पढ़ने के लिए। भगवान सबको अपने अलग अलग काम के लिए चुनता है बस आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चुनना है भगवान ने आपको किसके लिए पैदा किया है। अभी बस रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ टाइजर भाई पीछे थोड़े दिन पहले लास्ट टू मंथ पहले बहुत परेशान थे भाई मैं मार्च की बात है जब मुझे नहीं पता मैं रात में तभी मंदिर नहीं होता 10:30 के आसपास तक समय था और टाइजर भाई आए मैंने बोला टाइजर भाई इस टाइम कैसे टाइजर भाई बहुत परेशान बता नहीं रहे मुझे मैंने टाइजर क्यों टेंशन बताया आज भी नहीं है पर फिर भी मैंने बोला टाइजर टेंशन लो बाबा बैठे सब सही हो रहा टच वुड वो सारी प्रॉब्लम टाइजर भाई से दूर हो रही और टाइजर भाई हैप्पी हो हम बाबा से यही दुआ दे रहे थे कि टाइजर भाई हमेशा ऐसे खुश रहे लो दो स्वर्थ बनाते रहे सेहत बनाते रहे सबको अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहे। जय साई राम जय साई राम भाई भाई इससे जो बताऊँ जब मैं यहाँ पे आया था ना उसके बाद ही माइंड थोड़ा सा शांत हुआ था वरना बड़ा परेशान है सच में बाबा कुछ पर्सनल इशू थे कुछ पर्सनल चीज़ें थी बता नहीं सकते डिस्कस नहीं कर सकते वो तो मैंने आपको भी नहीं बताई। चलो बाबा बाबा ने बता दी जो भी सारे थे बाबा ने दे दिए थे। तो चलो सोनू भाई मिलते रहेंगे। जय साई राम थैंक यू सो मच टाइजर भाई साई राम। सो भाई सारा दिन के घूम घाम के अपने बड्डे बड्डे बना बनू के अब अपने सारे भाई की कल जो अपने सीरियसली में क्लोज है ये रहे और ये पार्टी ऑर्गेनाइजर हमारा ऋषि ठीक है जी। तो अपने सारे भाई खड़े हैं शायद है अरे नितिन भाई कुछ बोल लो यार थैंक्स अ लॉट। और अब अपना पार्टी रॉक करेंगे और अपना देख रहे हो सारी जगह पार्टी का सिस्टम बन चुका है माहौल बन चुका है। तो अब मॉल में थोड़े से हम सब एंजॉय कर लेते हैं अपने भाई की गल। तो चलो जी पार्टी करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे वर्कआउट के साथ। थैंक यू सो मच।